वीडियो में बात करने वाले हैं WLD कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और कॉइन के नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में। 2.89 पर ट्रेड कर रहा है, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसके प्राइस में कल से अभी तक देखने को मिला है, जहां पर कल से अभी तक इसके प्राइस में 50% से ज़्यादा का मूवमेंट है और यहां पर एक अच्छी स्टेबिलिटी भी मेंटेन की हुई है। ओवरऑल बुलिश कॉइन है ये कॉइन, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ब्रेकआउट लेगा, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है। बात करेंगे किन लेवल्स पर आपको एग्जिट होना है अगर आपने इस कॉइन में एंट्री ले रखी है। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, क्रिप्टो क्वेरीज, अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये कॉइन 2.88 पर ट्रेड कर रहा है, 2.93 USD वाला लेवल इस कॉइन ने ट्राई किया और रीसेंट डिप की अगर हम बात करें तो 1.72 USD तक का लो इस कॉइन ने अभी रिसेंटली 10-11 जुलाई को ट्राई किया था, वहाँ से थोड़ी स्टेबिलिटी मेंटेन की। उसके बाद से कल से अभी तक इसकी प्राइस में 50-60% से ज़्यादा का मूवमेंट है और यहाँ पर बैक टू बैक ये कॉइन नेक्स्ट लेवल्स को ट्राई कर रहा है। WLD की बात करें तो ये वर्ल्ड कॉइन का WLD टोकन है, जो कि वर्ल्ड ऐप जो है एक फर्स्ट वॉलेट ऐप है, जो कि सपोर्ट करता है AI क्रिएशन को और एक वर्ल्ड ID जो है वो उसके क्रिएशन पर फोकस करता है। अगर यहाँ पर बात करें सप्लाई की, तो मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन की है, सर्कुलेटिंग में 104 मिलियन कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में है और प्रीवियसली इस कॉइन ने यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट लिया था। बात करें अभी रिसेंटली अप्रैल मंथ की, मार्च मंथ की, तो सेम इसी 2 USD के अराउंड वाले लेवल से इस कॉइन ने मूव लिया था और यहाँ पर अगर बात करें तो 2 USD वाले लेवल से 11.97 का हाई बनाया था। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग इस कॉइन की 0.15 पर हुई थी, वहां से 5.29 वाला लेवल इसने लिस्टिंग कैंडल में ट्राई किया। उसके बाद जो 0.97 का लो बनाया था, जो कि 2023 के सितंबर अक्टूबर मंथ में था, वहां से हमने इस कॉइन में अच्छी रिकवरी देखी और उस लेवल से इसने 10-11x से ज्यादा का मूव लिया था। अभी मैंने आपको यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ की है, इन लाइंस को मैं आपको शेयर करूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं इस कॉइन को, और यहाँ से क्विक टारगेट भी बताऊँगा, टेक्निकली बात करेंगे। उससे पहले आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो आपके लिए किसी भी टाइप से हेल्पफुल रहे हों, प्रीवियस वीडियोज़ के थ्रू आपने इस कॉइन में या किसी भी कॉइन में प्रॉफिट जनरेट किया, क्योंकि ऑलरेडी इस कॉइन में हमने सेप्टेम्बर और अक्टूबर 2023 में इन लोवेस्ट एरिया पर आपको एंट्री सजेस्ट की है, जो कि 1.4-1.3 USD कराउंड में यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इस कॉइन में 2.35 की एंट्री है फरवरी मंथ में, तो वहाँ से जिन्होंने होल्ड किया यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। अभी हम टेक्निकली बात करें, सबसे पहले हम वीकली के चार्ट में चलते हैं, क्योंकि वीकली के बेसिस पर ही हमने ये लाइंस ड्रॉ की है। यहाँ पर ये वाली जो रेड जोन है 1.67 या 1.7 के अराउंड में, वीकली के अंदर इस कॉइन को बहुत अच्छा सपोर्ट था, जिसको इस कॉइन ने मेंटेन किया और वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। अब यहाँ से इस वीक में एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही वीकली के अंदर अगर बात करें तो। अब ये वाली जो लाइन है जो है ऑलमोस्ट 3 USD के अराउंड में, तो यहाँ पर इसको बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल 2.3 था, उसको ब्रेक कर दिया है और 3 USD वाला जो लेवल है वो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वीकली के अंदर। जैसे ही ये कॉइन वीकली में 3 USD से ऊपर क्लोज करता है, यानी इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में, किसी भी वीक में 3 USD से ऊपर जैसे वीकली क्लोज करता है, तो फिर ये 4.5 USD तक अनस्टॉपेबल रहेगा, यानी कि वहाँ तक इसको कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, नॉर्मल रिजेक्शन लेवल है, लेकिन कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 4.5-4.6 USD वाला लेवल, जहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन फेस करने को मिल सकता है। और फिर जैसे ही 4.6 से ऊपर क्लोज करता है इस टाइप की कैंडल्स, एक दो कैंडल्स में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, तो फिर नेक्स्ट इसका टारगेट जो वो प्रीवियस लेवल्स रहेंगे 10 USD 11 USD वाले लेवल। तो ये हो गई लॉन्ग टर्म की बात, यानी कि आप 4 महीने 6 महीने होल्ड करते हैं तो उस बेसिस पर आपके जो लेवल से ये कॉइन बैक टू बैक ट्राई करेगा।
अब यहाँ पर बात करते हैं डेली में और क्विक टारगेट की बात करते हैं। देखिए 2.89 पर ट्रेड कर रहा है, कल की क्लोजिंग जो है वो 2.8 यूएसडी के अराउंड देखने को मिली और वहीं पर इसको 2.7 यूएसडी वाला जो लेवल है 2.75 वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था जिसको इसने क्रॉस किया है और अब इसके बाद में नेक्स्ट है 3.4 यूएसडी के अराउंड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, तो वहाँ तक ये कॉइन जो है वो टेस्ट कर सकता है जिसमें अभी इसको 2.75 सपोर्ट है और 3.4 रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्विक टारगेट्स की, जो कि नॉर्मल ट्रेड करते हैं कॉइन्स के अंदर और क्विक प्रॉफिट लेकर एग्जिट करना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट और क्विक टारगेट रहेगा 3USD का, जहाँ पर आपको 60% पार्ट सेल आउट करना, जो टोकन आपने बाई किए हैं यहाँ पर उसका 60% 3.1USD पर, जिसको अभी ये कॉइन हिट करेगा, और सेकेंड टारगेट रहेगा 3.4, जिसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये कॉइन आज भी 2.75 से ऊपर मेंटेन रहे और BTC में भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिले, थोड़ा बहुत 64 तक ट्राई होता है और वापस मूव करता है तो ये कॉइन क्विक बाउंस बैक कर जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ BTC जो है वो भी इस लेवल पर मेंटेन रहे, तो यहाँ से एक कॉइन एक दो दिन के अंदर 3.4 तक ट्राई करेगा जो कि आपका सेकंड टारगेट रहेगा। तो इस टाइप से आपको 3USD और 3.4 इन दो लेवल्स पर सेल करना है 60-40 के रेशो में। अब शॉर्ट टर्म में हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने या फिर ऑलमोस्ट अगस्त के एंड तक, वो 4USD से ऊपर का टारगेट रखेंगे, 4USD 4.2 तक का, और थोड़ा और अगर आप वेट करते हैं 4 महीने 6 महीने तो 10USD 11USD को भी ये हिट करेगा। अब मैं आपको बता दूं टाइम पीरियड की, कि जो टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग मैक्सिमम टाइम पीरियड है, इससे पहले कॉइन कभी भी हिट कर सकता है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इससे पहले अगर हिट कर जाता है और आपको एग्जिट करना हो, तो जब भी एग्जिट करना हो उस टाइम पर, या फिर जैसे आज आपको आपने सोचा कि मुझे एग्जिट करना है, तो थोड़ा सा एक दो दिन वेट करें हमारी तरफ से जब भी अपडेटेड लेवल्स, क्योंकि किसी भी कॉइन के अंदर जब भी एक अच्छा ब्रेकआउट होता है उस टाइम पर भी हम आपको टेक्निकल चीज़ें से शेयर करते हैं, अपडेटेड लेवल शेयर करते हैं, ताकि जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं वो प्रॉपर लेवल पर एग्जिट करें और जिन्होंने एंट्री नहीं ली है वो जल्दीबाजी में ऊपर एंट्री नहीं ले। अब इस क्वाइन में कि इससे रिलेटेड जब भी आपको अपडेटेड लेवल शेयर किया है तो आपको ज़रूर वॉच करना है। दूसरा, जिन्होंने एंट्री नहीं ली है, देखिए अभी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, वापस से हमें एक लेवल देगा ये कॉइन, और जैसे ही एक अच्छा लेवल देगा जिस लेवल से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी रहेगी, हम वापस आपको एंट्री शेयर करेंगे। और बहुत सारे कॉइन्स हमने ऑलरेडी अभी पिछले 4 दिनों 6 दिनों में 10 दिनों में शेयर किए और ये हम रेगुलर शेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार शेयर कर दिया। जब भी मार्केट के अंदर एक अच्छा लेवल रहता है, कॉइन्स के अंदर अच्छा लेवल रहता है, हम आपको कॉइन शेयर करते हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, और जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में एनरोल करें, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।